brought to you by YourQuote, an app that makes you write and perform. ये बात थोड़ी पुरानी सी है, ये बात थोड़ी पुरानी सी है, मगर बताना बेहद जरूरी है। जो बात मैं तब नहीं समझ सकता था, वो सबको बताना जरूरी है। नजरों से ओझल ना होने देना, नजरों से ओझल ना होने देना, एक गुलामी सी लगती थी, इसमें भी इसका प्यार छुपा था, ये बात तब समझ नहीं सकता था। डांट तो उसकी बहुत सुनी और मार भी जमकर खाई है, मैं ही तो उसका अपना था जो तब मैं समझ नहीं सकता था। फिर घर में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मॉम और डैड या फिर कोई भी, तो मॉम लोग का एक कॉमन डायलॉग होता है जो फिल्मों में होता है, 9 महीने पेट में पाला हूँ, ऐसा बच्चों के लिए। तो उस पर लिखा है 9 महीने पेट में रखी हूँ, ये बात कानों सी लगती थी। 9 महीने पेट में रखी हूँ, ये बात कानों सी लगती थी, मैं ही तो उसका अपना था जो तब मैं समझ नहीं सकता था। जब सब समझ में आया मुझको तब एक सवाल जहन में आया, मुझे दूर रखकर के खुद से क्या मेरा खुदा कभी सो पाया। तो मेरी सॉल्टी सी जिंदगी में तू एक स्वीट सा हिस्सा है, मेरी सॉल्टी सी जिंदगी में तू एक स्वीट सा हिस्सा है, मेरे जीवन के एक किताब का तू भी एक अहम हिस्सा है। तेरे बिना मेरी हर ट्रिप अधूरी सी लगती है, तेरे बिना मेरी हर ट्रिप अधूरी सी लगती है, और भाई तू साथ हो ना तो घर पे भी ताज की नूरी है। याद तेरी बहुत आती है अक्सर, मतलब आप भी 2 वीक्स हो जाते हैं कॉल किए या फिर व्हाट्सएप मैसेज बहुत कम यूज होता है सोशल साइट, तो उसे बताया याद नहीं करता, भूल गया वगैरह वगैरह डायलॉग आने लगते हैं हमारे पास। तो उसमें याद तो बहुत आता है तू, मगर ये मेरी भी मजबूरी है, जिम्मेदारियों के बोझ तले फिर सह रहे हम दूरी है, फिर सह रहे हम दूरी है। इन मजहबी दीवारों से थककर अक्सर चांद भी टूट जाता है, इन मजहबी दीवारों से थककर अक्सर चांद भी टूट जाता है, बिना किसी भेदभाव के आखिर वो सब पे चांदनी बरसाता है, बिना किसी भेदभाव के आखिर सब पे वो चांदनी बरसाता है, छोटे हो या बड़े आंगन सभी का रोशन करके जाता है, छोटे हो या बड़े आंगन तो सबका रोशन करके जाता है, आखिर साझा के उस ताज पे हर हिंदू इतराता है। इन मजहबी दीवारों से थककर अक्सर चांद भी टूट जाता है। करवा चौथ पे भी खुद को जोड़ के आता है और ईद पे भी सबको दिख जाता है, उसने कभी नहीं देखा कौन हिंदू कौन मुस्लिम, फिर ये इंसान क्यों एक दूसरे का लहू बहाता है। इन्हीं मजहबी दीवारों से थककर अक्सर चांद भी टूट जाता है। चलो आज एक कदम देश की ओर बढ़ाते हैं, इन मजहबी दीवारों को हटाकर आज हम सब भी चांद सा बन जाते हैं।